गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, सुबह सुबह उठे हम डायरेक्ट गांव में। तो मैं गांव में आया हूँ कल, क्योंकि ईद है आज, तो इसलिए गांव आया हूँ मैं। और मैं गांव आने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पेपर चालू है। 10 तारीख को मेरा पेपर था, 11 तारीख को आज ईद है, और 12 तारीख को वापस मेरा पेपर है। तो मैं आने वाला नहीं था गाँव के लिए, पर मम्मी ने बोला कि नहीं, क्या सारे रोज़े किए तूने और अकेला फिर गाँव पुणे में ईद मनाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। क्योंकि मम्मी पापा भाई सब ना भैया सब पहले आए थे गाँव को, वो 9 तारीख को आए थे। तो फिर उन्होंने मम्मी ने बोला कि आज सब रोज़े किए तूने, घर पे अकेला बैठेगा तो अच्छा नहीं लग रहा सबको, तो तू भी आ जा जल्दी, मतलब 11 तारीख को आ जा। 10 तारीख को मैं आया, पेपर दिया मैंने 10 तारीख को, पेपर दे के लगे निकला तुरंत, और फिर 11 तारीख को ईद करूँगा और वापस जाऊँगा। और व्लॉग भी करने वाला नहीं था मैं, क्योंकि बहुत छोटा व्लॉग हो जाएगा, क्योंकि मैं ईद करके तुरंत निकलने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, तो छोटा है। फिर भी मैंने बोला करेंगे, क्योंकि व्लॉग क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने इतने सारे दावत के व्लॉग बनाए, 2-3 व्लॉग हो गए दावत के, और एक व्लॉग कैंप का हो गया है और कोंडरा का। तो इतने सारे व्लॉग बनाए रमज़ान के, तो फिर मेन ईद का ही व्लॉग नहीं बनाया तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने सोचा ईद का व्लॉग छोटा ही क्यों ना हो, पर बनाते हैं व्लॉग ईद का। तो फिर अभी करते हैं स्टार्ट। अभी मैं उठा गाँव में, तो अभी दिखा तो आपको कैसा कैसा क्या करते हैं हम ईद में। अभी तो उठे, अभी पहले नहाते धोते, कपड़े पहनते मस्त नए वाले, मैंने कपड़े भी लिए थे। कुर्ता नहीं लिया मैंने, सादा ही शर्ट पहन लिया, क्योंकि कुर्ता एक बार डालेंगे फिर साल में कब डालेंगे पता नहीं, तो मैंने कुर्ता लिया नहीं। उससे अच्छा शर्ट पैंट लो और डालते रहो साल भर। तो अभी मैंने शर्ट पैंट लिया है, अभी नहाते फटाफट, और ये गाँव के घर ऊपर टेरेस पे आया हूँ मैं। हमारे घर के सामने बराबर कार्यालय, तो चलो गाइस अभी चलते हैं, नहाते हैं और फिर खीर वीर दिखाते हैं आपको। मस्त खीर बनाइए, खीर रात में ही बनाइए। तो चलो अभी मस्त नहाते हैं, कपड़े पहनते और फिर आपको मिलते हैं। चलो तो गाइस, मेरे को बहुत लेट हो गया था नहाने के लिए, और वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया घर पर। डायरेक्ट हम ईदगाह पे आए, हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि गाँव में ईदगाह है। ईदगाह क्या बोलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं, किसको बोलते हैं ईदगाह। तो अभी डायरेक्ट ईदगाह पे आए हम, और मैंने कपड़े डाल लिए, कुर्ता वगैरह नहीं डाला मैंने, शर्ट पकड़ी, शर्ट थे, पैंट थे, तो ये डाला मैंने नॉर्मल। और अभी चलते हैं अभी अंदर ईदगाह में, देखो तो आपको ईदगाह क्या रहता है। चलो अंदर मिलते हैं। देखो ये मस्जिद है इधर साइड को, और इसको ईदगाह बोलते हैं, ओपन है पूरा, ठीक है, इसको ईदगाह बोलते हैं। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने वाले, और सारे भाई देखो, मेरा भाई देखो ये कुर्ता पहने लाए, यहाँ पे कुर्ता पहने लाए, ये पप्पा है मेरे, ये वाले, और ये सोने भैया। तो चलो अभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, टाइम है अभी, और टाइम है अभी, फिर भी चल के बैठते जगह लेते, फिर आपको नमाज़ पढ़ के बाद मिलते आपको। पकड़ जरा आईने, आते यूट्यूब पर आते आईने सिद्दीक भी आते, सिद्दीक भी आते यूट्यूब पर, सिद्दीक भी आते। गाइस अभी नमाज हो गई है, और लोग पीछे कब्रिस्तान है, तो सारे लोग नहीं गए कब्रिस्तान में, जो जो अपने लोग गुजरे हुए उनके वहाँ पे जाते हैं। तो हमारा कब्रिस्तान यहाँ पे नहीं है,
मेरी माँ का और बाबा का, वहाँ बाबा मतलब दादा और दादी का, यहाँ पे नहीं दूसरा कब्रिस्तान है उनका, तो हम वहाँ पे जाएंगे अभी दूसरे कब्रिस्तान में। अभी चलते फटाफट वहाँ पे दूसरे कब्रिस्तान में, वहाँ पे जाके देखा था आपको दूर से ईदगाह जो कैसे दिखता है, पूरा खाली यहाँ पे है क्या, ऊपर पूरा खाली हो गया, अभी सब लोग बाहर आ रहे हैं। चलो अभी चलते कब्रिस्तान पे, वहाँ पे दिखा आपको। अभी आए कब्रिस्तान पे और ये देखो हमारे घर के पास ही कब्रिस्तान है, बहुत पास है, तो भी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी माँ का कब्र, यहाँ पे कब्र है माँ की, तो यहाँ पे अभी दर्शन भी पड़ेंगे और फिर जाएंगे घर पे। घर का सीन दिखा दो आपको, खीर बिरयानी वगैरह सब रहेगा, वो सब दिखा दो पहले, यहाँ पे पढ़ते हैं अभी दर्द शरीफ, फिर जाते घर पे। तो गाइस अभी आप बने क्या, सब कोई भी दे रहे हाँ, नेक्स्ट इद्दी बोले तो तुम्हें बोले थे इद्दी, मम्मा को भी दिए भैया, बाबा ने मम्मा को दिए। अभी अभी सब लोग गजरा बजा लगा रहे हैं, ईद का नमाज पढ़ के आया, अभी गजरा लगा रहे सब लोग, ये भाभी रेडी हो गई है, ये भाभी भी रेडी हो गई, मम्मी रेडी हो गई। चलो अभी अभी लाइक खाने को मिलता है। तो गाइस जितना भी आपने देखा पिछले वीडियो में, इतना ही रहता है हमारी ईद में, ज़्यादा कुछ नहीं करते हम। अभी मस्त खाना खाएंगे, फिर खीर पिएंगे और फिर मेरा टाइम हो जाएगा जाने का, क्योंकि मेरे को जाना है, कल पेपर है मेरा, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा और बहुत धूप है अभी, इससे थोड़ा छाँव में रुकता हूँ मैं, रुकूँ हाँ, तो जाना पड़ेगा। तो फिर अभी कपड़े निकलते, पहले वाइट शर्ट गंदा हो जाएगा, तो कपड़े निकलते और फिर खाना खाते, खीर पीते और फिर चलते पुणे के लिए, कराड़ तक जाऊँगा मैं, वहाँ से फिर फरन की मम्मी, खाला, खालू, हम सब जाएंगे, क्योंकि फरन का पेपर है कल, तो फिर हम सब जाएंगे और फिर मिलते खाना खा के, या फिर खाना खाते हुए मिलते आपको। चलो तो गाइज अभी खाना खा लिया हमने और अभी पी रहे अभी खीर, ये देखो खीर है क्या, नहीं तो गाइस ये नहीं क्या, बहुत फेमस खीर है हमारी, शिरखुरमा बोलते हैं इसको, तो अभी पियेंगे इसको और साल में एक बार पीना मिलता है घर पे, ऐसे तो नॉर्मल बनाते नहीं खीर इसको, तो ईद के दिन इसे बनाते हैं, तो ईद के दिन में पीते हैं, मैं तो मेरे को भी पसंद है, मेरा फेवरेट है ना क्या, और ये मेरे को कुंडे में इसमें देते हैं, छोटा कुंडा है ना क्या, इसमें मेरे को पीने को नहीं आता, इसलिए मैं बड़ा ग्लास लेता हूँ, पर अभी वो ग्लास फूट गया उनका, तो अभी इसमें पी रहा हूँ मैं, बहुत पसंद है, मैं बहुत पीता हूँ ना क्या कंटिन्यू, मैंने तो पिछले ईद में खाना ही नहीं खाया था, सिर्फ खीर पी रहा था ना क्या, और फिर अगले दिन ने क्या बीमार गिर गया था, फुल खीर पी के, तो मैं बहुत पसंद है खीर, तो अभी वापस पीते हैं और पीते के बाद फिर चलते पुणे के लिए, निकलते थोड़ा सोते हैं फिर निकलते हैं पुणे के लिए, क्योंकि टाइम है अभी 3 बजे निकलने वाले, तो पीते और फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी निकले अपन पुणे के लिए, मन तो नहीं हो रहा मेरा जाने का, पर अभी जाना पड़ेगा वे पेरिस से, अभी चलो बेस्ट में बैठा हुआ मैं, अभी चलते कराड़ तक, यहाँ से खाला खालू की गाड़ी में जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं, तो आप वीडियो पसंद आया, पसंद आया वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है अगले ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय।